Assalamualaikum, this is Amreen Salman और मैं आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ। मैं आई हूँ आज एक उस वर्कशॉप में जहाँ पे हमारी फोर्ड खड़ी हुई है। फोर्ड की अपडेट्स थोड़ी सी लेट है, आई नो बिकॉज आई वॉज बिजी, लेकिन आज हम देखने वाले हैं कि उसका इंजन का जो प्रोसेस है वो चल रहा है। आज हम आपको वो दिखा देंगे। बॉडी वर्क उसका हो चुका है और इंजन जो है वो यहाँ पे हो जाएगा, बाकी जो पेंट शेंट है वो फिर घर में चल के हम देखेंगे। इंजन का जो काम है सारा वो यहाँ पे होगा, उसकी प्लेसमेंट होगी यहाँ पे और बाकी मजीद इसमें कौन कौन से काम और कितनी देर में होने वाले हैं असगर भाई हमें बताएं। कैसे आप, कब आई आपके पास फोर्ड? एक महीना पहले। अच्छा, तो अब एक महीने के अंदर क्या क्या प्रोग्रेस हो रही है? जी, जो प्रोग्रेस के अंदर डीजल इंजन लगा हुआ था वो हमने निकाल दिया इसमें से। अब इसमें पेट्रोल इंजन लगा रहे हैं, ब्लैक टॉप। अच्छा, 20 वाल्व। ओके, 4 थ्रोटल। फिर इंशाल्लाह ये थोड़े दिनों के बाद हम स्टार्ट कर लेंगे। तो इसमें कौन सा हम इंजन जो यूज कर रहे हैं, रेसिंग इंजन है? जी, रेसिंग इंजन है। थोड़ी स्पेसिफिकेशन उसकी बताएंगे मुझे आप? जी, ब्लैक टॉप है वो, 4 थ्रोटल। ओके जी, 1600 cc है। इसका क्या फायदा होता है इस इंजन का? स्पोर्ट्स इंजन है। ठीक है, तो इसकी यामाहा का ट्यून है। ओके, ऑलराइट। और मजीद इस पे कितना टाइम लगेगा? अभी इंशाल्लाह 15 दिन लग जाएंगे। अभी 15 दिन में आप इसको रेडी करेंगे इंशाल्लाह? दैट्स गुड। फोर्थ थ्रॉटल है, 180 bhp इंजन है। इसके साथ हमने 5 स्पीड A86 का गियर कपल किया है और इस गाड़ी को बनाने का मेन मकसद ये है कि ड्रिफ्ट भी कर सके और हाई स्पीड रन भी दे सके। इसमें इससे पहले 1 एंड डीजल इंजन था जो कि हमने निकाल दिया और इसमें ट्रिपल प्लेट क्लच प्लेट इस्तेमाल की है जो कि बहुत हैवी है, स्ट्रॉन्ग है इस इंजन के लिए। इस इंजन को सारा खोल कर रीबिल्ड किया गया, इवन कि ये काबिल इंजन था लेकिन इसको फिर भी रीबिल्ड किया गया इसकी परफॉर्मेंस के लिए। अब इसका रेडिएटर रह गया है, एसी कंप्रेसर वगैरह फिटिंग होने रह गया है, एयर क्लीनर्स की फिटिंग बनानी बनी रह गई है, शाफ्ट कनेक्ट हो चुकी है, ईवीएस स्टीयरिंग कनेक्ट हो चुका है। इस तरह की काफ़ी चीज़ें हैं जो कि हम कनेक्ट कर चुके हैं। इसके बाद इसके सस्पेंशन की अपग्रेड आनी है जो कि हमने इसके अंदर सस्पेंशन लगाना है। इसमें ट्रिपल प्लेट जो सस्पेंशन लगाना है इसमें, इसको लोअर्ड करना है। इसके अंदर रिम्स हमने 16 इंच डालने हैं, 13 इंच के रिम निकाल के 16 इंच रिम डालने हैं और फिर उसके बाद ये चली जाएगी पेंट शॉप में, मैकेनिकली डन हो जाएगा। इट विल टेक 1 मंथ टू डन द मैकेनिकल जॉब। अभी इंजन दोबारा निकलेगा, सारा इंजन बे पेंट होगा फिटिंग के बाद, इसके बाद दोबारा इंजन रीबिट दोबारा इसमें रख के इसकी वायरिंग कनेक्ट कर दी जाएगी, उसको स्टार्ट कर दिया जाएगा। दैट्स इट जी। आपको अपडेट मिल चुकी है फोर्ड के बारे में, इसकी नेक्स्ट वीडियो अब तब आएगी जब ये चली जाएगी घर। ये थोड़ा सा काम इसका बाकी है, ये काम होते ही हम इसे घर ले जाएंगे, पेंट हम घर पे करेंगे, देन आई विल अपडेट यू।